हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अपने फर्स्ट ब्लॉक में कि मैं आपको उस मंदिर लेके चलूंगा जो कि गंगा के उस पार है, तो फाइनली हम लोग फिर से बुआ घाट पर आज मौजूद हैं। और मैं इसलिए आपको इस मंदिर ले जाना चाहता हूँ क्योंकि ये रामायण काल की बात है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रामायण काल की बात है। तो मैं आपको डायरेक्ट रामायण काल में लेके चलूंगा कि राम युद्ध जीतता है रावण से, युद्ध के बाद अयोध्या वापस आता है और अयोध्या में उसे उसके गुरु कहते हैं कि आप मुग्धल ऋषि को लेके आओ, तब आपका यज्ञ संपन्न होगा। तो फाइनली राम और सीता जब आते हैं मुग्धल ऋषि के पास, इस मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में जब आते हो हैं गया। कि हम लोग नाव लेंगे फिर हम लोग गंगा को पार करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, नाव का वेट कर रहे हैं। अब देख पा रहे हो कि नाव अभी उधर से आ रही है, वो देखिए छोटी सी नाव आ रही है। तो नाव आएगी फिर हम लोग जाएंगे उस पार। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देख पा रहे हो हमारा नाव फाइनली खुल चुका है यहाँ से और सीता चरण के दर्शन के लिए हम लोग रवाना हो चुके हैं। आप सामने देख पा रहे होगे वो कस्टर्नी घाट है, मैंने आपको दिखाया हूँ, पहले भी दिखा चुका हूँ कस्टर्नी घाट, और वे पीछे साइड पुल दिख रही होगी। तो फिर ये मंदिर जो है ना बरसात में 4-5 मंथ के लिए डूब जाती है बिल्कुल ही, क्योंकि ये मंदिर दोनों साइड से गंगा है, बीच में मंदिर है और 6-7 मंथ के लिए बस लोग जा पाते हैं। तो अभी हम लोग फाइनली जा पा रहे हैं, लकी हैं हम लोग। फाइनली पहुंच चुके हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे अभी सामान लोग सब उतर रहे हैं, एक बाइक उतारा जाएगा, फिर हम लोग चलते हैं मंदिर पे, आपसे मिलते हैं मंदिर पे। तो देख पा रहे हो मंदिर हम लोग पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही चुके हैं और मात्र 2 सेकंड लगेगी। अब देख पा रहे हो सामने, बट मंदिर में लाइट वाइट कुछ नहीं है, बट फिर भी हम लोग माँ के पास जा रहे हैं, आपको मैं आगे दिखाता हूँ। और तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके हैं, आप देख पा रहे हो मेरे पीछे मंदिर है, तो इसी में माँ सीता का चरण पादुका रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, फाइनली जस्ट अभी हम लोग मंदिर पहुँचे हैं, तो हम लोग मिलते हैं मंदिर के अंदर। हम लोग आपको मैं बताता हूँ, पूरा रिलेट करता हूँ हिस्ट्री। हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं और इस मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोला था कि मैं आपको लेके चलता हूँ सीता चरण दिखाने के लिए, क्योंकि रामायण काल में कहा जाता है जब राम जी ने रावण को युद्ध में हरा के अयोध्या लौटे थे, तो उसे गुरु ने कहा था कि आप मुग्धल ऋषि को लेकर आओ, तब आपका यज्ञ संपन्न होगा। तो राम और सीता जी इसी मंदिर पे यहीं पे आए थे, मुग्धल ऋषि यहीं रहते थे। तो मुग्धल ऋषि ने कहा था माँ सीता से कि आप छठ पर्व करो तो आपका यज्ञ संपन्न होगा। तो माँ सीता ने सबसे पहले छठ प्रारंभ किया था इसी में, इस मंदिर में माँ सीता का चरण, सूप और लोटे का निशान आज भी मौजूद है, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ अभी वीडियो में। और कहा जाता है, मान्यता है कि जो हम बिहारी है, हम बिहारी लोग जो छठ पर्व मनाते हैं, महाछठ पर्व, तो माँ सीता यहीं पे प्रारंभ किया था और इसी गंगा के तट पे सबसे पहले छठ प्रारंभ किया था माँ सीता के थ्रू। उसके बाद से हम बिहारियों के लिए छठ महापर्व बन गया और हम लोग छठ मना रहे हैं। तो मैं आपको मंदिर फाइनली ले चलता हूँ, आप भी माँ सीता का चरण का दर्शन करें और लुत्फ उठाएं और अपना मनोकामना पूर्ण करें। आइए आइए दोस्तों, आइए बाबा, इसको हटा देते हैं फोटो लेने। रात को डूबता रहता है दोस्तों, आप देख पाओगे कि ये हमारे महंत हैं इस मंदिर के, जो माँ सीता के चरण की देखरेख, पूजा पाठ सब कुछ यही महंत जी करते हैं हमारे। महंत जी आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ श्याम बाबा। इनका नाम श्याम बाबा हुआ। आप देख पा रहे हैं यही है माँ सीता का चरण। और ये आप यहाँ लोटे का निशान देख पाएंगे, यहाँ छठ, यहाँ पर सूप का निशान देख पाओगे। हाँ। तो बाबा महंत बाबा कुछ माँ सीता के बारे में कुछ बोलिए। हाँ? कुछ माँ सीता के बारे में बोलिए। माँ सीता के बारे में तो ये है, असली चरण है और असली पूजा हुआ है और असली माँ है, सीता माँ है। और वो असली बात क्या है, ताकि मैया का स्तुति, नीलाम भुज श्यामल कोमलानम सीता समालोपित भाम भावम पावन।
तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने कि देखा कि हम लोग मंदिर का दर्शन कर लिए, तो हम लोग वापस जा रहे हैं और सामने कस्टर्नी घाट है, बोआ घाट है, तो हम लोग बोआ घाट पे उतरेंगे अभी फाइनली कुछ देर में। और मैं काफ़ी थक गया हूँ और मुझे बोलने का कुछ मन भी नहीं कर रहा क्योंकि रात हो चुकी है, आप देख ही पा रहे हो। आपने देखा कि अभी जस्ट हम लोग वापस फिर से बोआ घाट आ चुके हैं, तो आपको मैंने पूरा मंदिर दिखाया क्या है नहीं है। तो दोस्तों रात हो चुका था लेकिन मंदिर पहुंचते पहुंचते शाम हो गया और मंदिर से वापस आते थे बोआ घाट रात हो चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल।